वेलकम टू किचन विद एनी क्यू। आज हम बनाएंगे बहुत इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी टोस्ट के साथ और अंडे के साथ। ऑमलेट टोस्ट बेसिकली हम बनाते हैं, उसमें दो पीसेस लेते हैं और उसमें अंडा डालते हैं। इसमें हम एक ही पीस स्लाइस लेंगे और इसके अंदर ही हम उसको ऑमलेट को इनकॉर्पोरेट करेंगे। बहुत ईजी है और जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत मज़े का है, ईजी है। आप लंच में भी अपने लिए बना सकते हैं, बच्चों के लिए ईजी टू हैंडल है। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी बाय कटिंग आउट द टोस्ट। तो हम एक पीस लेंगे ब्रेड का। इसको हमने जो बेसिकली करना ये है कि जो इनसाइड इसका स्क्वायर है ये काट के निकालना है और ये जो बाहर की इसकी रिम है उसको इंटैक्ट रखनी है ताकि वो टूटे ना कहीं से। वो जब हम डालेंगे फ्राइंग पैन में तो उसके अंदर फिर हम ऑमलेट का मिक्सचर डालेंगे। सो बी केयरफुल कि आप जब काट रहे हैं तो उसकी एज जो है वो फर्मली इंटैक्ट रहनी चाहिए, वो कहीं से टूटे ना। तो केयरफुली साइड से कट अराउंड करें। तरह से अब इसको केयरफुली निकाल लें, पुश आउट कर लें। दैट्स इट। ये वाला पीस अब आप संभाल के रखें, जब हम ऑमलेट डालेंगे तो उसके ऊपर से फिर इसको रिप्लेस करेंगे। सो ये अब फ्रेम जो है ये रेडी है ऑमलेट टोस्ट के लिए। इसको साइड पे रख लें और हम जो ऑमलेट का मिक्सचर है वो तैयार कर लेते हैं। मैं एक अंडा लूंगी, ये मैं जग लिया है इसके मिक्स करने के लिए ऑमलेट को ताकि इजीली फिर पोर हो सके। इसको विस्क कर लें फॉर्क से। इसमें ऐड करूंगी 1/4 teaspoon लाल मिर्च का पाउडर और हसबे जायका नमक ऐड करें। इसको भी मिक्सिंग कर लें। अब यहाँ पे मैंने लिए बारीक कटे हुए टमाटर, इसमें से मैंने बीज निकाल लिए, ये थोड़े से ऐड करेंगे। ये है बारीक कटी हुई प्याज, अबाउट टेबलस्पून इसका, और ये है बारीक कटा हुआ धनिया, तकरीबन 1 teaspoon इसका। आप अपनी मर्जी से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, या कोई अगर आपने आलू ऐड करना है तो वो भी। सो इट्स अप टू यू। बेसिक मुझे ऑमलेट में यही चीज़ें अच्छी लगती हैं। सो टमाटर प्याज और धनिया इनको आप मिक्स कर लें और अब ये मिक्सचर तैयार है। इसको अब हम फ्राइंग पैन पे फ्राई करते हैं टोस्ट में। पैन मैंने रख दिया हीट पे। इसमें अब ऐड करूँगी 1-2 tablespoons ऑलिव ऑयल के। इसमें अब जो हमने ये फ्रेम बनाया था टोस्ट का ये ऐड करें। इसको फर्मली प्रेस डाउन कर दें सब साइड से। आप इसके मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं या देसी घी भी, उससे ज़रा क्रिस्प अप ज़्यादा हो जाएगा टोस्ट। आई स्टिल लाइक टू यूज़ ऑलिव ऑयल, जल्दी ऑप्शन है अगर आप ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे हैं। मेक श्योर कि आप प्रेस डाउन कर दें अच्छी तरह इसको ऑल साइड से। अब जो हमारा ऑमलेट मिक्सचर था इसको अच्छे से इसमें आराम से पोर कर दें। मेक श्योर कि किसी साइड से ये बाहर नहीं जा रहा, इसको लो हीट पे ही आपने पकाना है। फॉर्क से देख लें कि हर एज पे ये अच्छी तरह से पहुंच गया। दैट्स इट। और अब इसके ऊपर जो आपके पास जो इसमें से निकाला था पीस वो उसी तरह से टॉप पे डाल दें, थोड़ा सा इसको प्रेस डाउन कर लें, ज़्यादा नहीं ताकि वो साइडों से ना निकल आए, लेकिन इनफ कि ये इसके साथ अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाए, जुड़ जाए टॉप के साथ। अब इसको फ्राई होने दें फॉर एटलीस्ट 2 minutes ऑन दिस साइड। अभी 2 minutes हो गए हैं इस साइड पे मीडियम टू लो हीट पे। इसको दोबारा से एक दफ़ा प्रेस डाउन कर लें टॉप को और इसको फ्लिप कर दें दूसरी साइड पे। देयर वी आर, देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी टॉप हो गया और अंडा जो है वो इसके अंदर फुली जुड़ गया है। ये देखें ये साइड्स यहाँ क्रिस्प अप हो गई हैं। दिस इज़ द ऑमलेट, ऑमलेट टोस्ट इन वन। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है तो प्लीज़ डू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स। आई थिंक मेरे पास अभी है इसमें
सो इसको भी आप क्रिस्प अप होने दें उस साइड से, प्रेस डाउन, ताकि अच्छी तरह अंडा उस साइड से भी जो टोस्ट में है वो पक जाए और कोई भी कच्चा हिस्सा ना रह जाए. सो एटलीस्ट 2 मिनट्स ऑन दिस साइड. 2 मिनट्स हो गए हैं अब इस साइड से भी. इट्स नाइस एंड क्रिस्पी ऑन बोथ साइड्स नाउ. सो इसको आप निकालें. दैट्स इट, इट्स डन. 5 मिनट्स में मज़े का ऑमलेट सैंडविच इज़ रेडी. तो ये है मज़े का हमारा ऑमलेट टोस्ट रेडी. बहुत मज़े का क्रिस्प बना है. यू कैन हियर द क्रिस्प. इसको मैं आपको काट के दिखाती हूँ. बच्चे वो लव दिस क्योंकि ये इजी है. एक ही हाथ में पकड़ा और खाया. आप नाश्ते में बनाएं, लंच में दें बच्चों को. तो ये देखिए कितनी मज़े की लेयर्स हैं. टोस्ट नीचे है, ऑमलेट इन द मिडल, एंड देन ऑमलेट एट द टॉप. साइड से भी टोस्ट है. सो इट्स अ रियली यमी ऑप्शन फॉर ब्रेकफास्ट या लंच. सो प्लीज़ डू गिव दिस अ ट्राई एट होम. बहुत ही मज़े का एक ऑप्शन है आपके ब्रेकफास्ट के लिए. बहुत जल्दी बन जाता है. Please remember to like and subscribe to my channel. I sincerely appreciate all your support. Thank you so much for watching.